नारायण 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 नारायण। गीता उपनिषद ब्रह्म सूत्र में योग शब्द का प्रयोग साधन के उपयोग में किया गया है, साधन के रूप में लिया गया है। साधन उसका नाम है जिस साधन पर आरूढ़ होकर व्यक्ति साध्य तक पहुंचे, उसका नाम योग है। जैसे कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, ये साधन के माध्यम से इसका वर्णन किया गया है। और योग दर्शन जो है, जो सनातन ऋषियों की दिव्य परंपरा से प्राप्त है, या योग दर्शन लगभग सनातन समाज के, सनातन मानव संस्कृति के जितने भी दर्शन हैं, उस दर्शन का ये सहयोगी दर्शन है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि की चर्चा की गई है। आज जानकर बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे भारत में ही नहीं, सारे विश्व में यह दिवस योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। कम से कम भारत की संस्कृति से, भारत के विचारों से, भारत के विचारों से विश्व को परिचय मिले कि हमारी संस्कृति कितनी उदार है, हमारी संस्कृति में स्वास्थ्य की भी कीमत है, हमारी संस्कृति जीवन की भी कीमत है, हमारी संस्कृति में बुद्धि भी है, इसमें स्वास्थ्य का भी ध्यान है, इसमें मन बुद्धि का भी ध्यान है, यहाँ समाज का भी ध्यान है, अपने कल्याण का भी ध्यान है, उसी का नाम योग दर्शन है। आज उसी योग दर्शन में योग दिवस मना रहे हैं। इस योग दिवस के संपूर्ण विश्व को बहुत बहुत बधाई। नारायण।